पहली बात, आप लोग कक्षा 5 में आ गए हो। कक्षा 5 में आने के बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भिन्न का जो है वो मेन बेस पहले ही बताया जा चुका कक्षा 4 में। और यहाँ पे आने के बाद अब तुम्हारे सामने सवाल क्या है कि एक ड्रम में 20 लीटर तेल है, यदि 1/5 भाग निकाल लें तो कितना तेल ड्रम में शेष रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम पहले उस ड्रम के 5 पीस कर दें। 1/5 बोला, 5 पीस करने हैं। उन 5 पीस में से एक पीस कितने का होगा, कितने लीटर का होगा, वो हमने निकाल लिया कि वो 4 लीटर का निकला है कि नहीं। और उसी को भिन्न के रूप में लिखा कि वो एक है, पूरा ड्रम एक है, और उसमें से 1/5 हटाना है, यानी कि 4 लीटर हटा देना है। शेष कितना बचा, 4/5 लीटर। और इसी को भिन्न में लिखा, फिर भिन्न में बगल में हमने घटा के दिखाया, और लीटर में जो आंसर आएगा वो आपके सामने है। ठीक है, 16 लीटर आया। ऐसे ही सेम आपको कई सारे क्वेश्चंस बनाने हैं और बना करके घर से करके लाना है, है ना। एक एक क्वेश्चन आप लोग बना चुके हो और अब बाकी क्वेश्चन तुमको अभी तत्काल बनाने हैं। बना के दिखाओ मैं आप। ठीक, ये अपना विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय मानपुर, और हम बच्चों को बनाएंगे आर्यभट्ट। यस सर। सब लोग आर्यभट्ट बन। यस सर। यस सर।